जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताते हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर और मेरे द्वारा बताए हुए ग्रहों के छोटे छोटे से उपाय कर अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरी अपॉइंटमेंट पेड्स होती हैं, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी आप सबसे मिथुन राशि को लेकर। मिथुन राशि के लिए जुलाई का महीना क्या खास लेकर आया है? मिथुन राशि के लोग देखिए, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, इनको यात्रा करना बहुत पसंद होता है। ये लोग जुआ सट्टा खेलना भी इनको बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये लोग ना कम समय में हम बड़ा लाभ कैसे कमाएं, इनकी सोच थोड़ा सा इसी प्रकार की होती है। और ये ऐसी चीजों के बहुत शौकीन भी होते हैं, जुआ खेलना, बेटिंग करना, मतलब इनको इस तरीके की चीजें, तंबोला खेलना या इस तरीके की चीजें ना इनको बहुत, कार्ड्स खेलना जहाँ पे पैसे आ रहे हो, इनको इस तरीके की चीजें बहुत पसंद होती हैं खेलना, बहुत शौकीन होते हैं इन चीजों के। और इन क्षेत्रों में इनको लाभ भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ग्रहों की स्थिति पर। बेटिंग करना भी इनको बहुत अच्छी तरह से फलता है, शेयर मार्केट भी इनको बहुत अच्छा फलता है, लेकिन ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। दूसरी ओर अगर बोलूँ तो अपने निर्णय बार बार बदलते भी हैं, ये भी इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये अपने किसी भी पर्टिकुलर एक डिसीजन पर फिक्स नहीं रहते हैं। जुलाई का महीना आप सबके लिए क्या खास लेकर आया है? देखिए, इस मंथ के दौरान मिथुन राशि वालों को बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, इतना तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इस महीने देव गुरु बृहस्पति और राहु देव 11वें भाव में स्थित होंगे, जबकि आपकी राशि के स्वामी बुध अनुकूल स्थिति में विराजमान होंगे और शनि देव 9वें भाव में स्थित हो जाएंगे। तो ऐसे में इतने मुख्य ग्रहों का प्रभाव अलग अलग तरह से पड़ेगा, और सब बैठे भी एक पर्टिकुलर अर्निंग के सोर्स वाले घर में हैं। तो इस मंथ शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में मौजूद होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप धन का प्रभाव निरंतर बना रहेगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। राहु भी आपके 11वें भाव में मौजूद होंगे, और ऐसे में आपको अचानक से धन लाभ होने की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। अब अचानक से धन लाभ का मतलब होता है कि अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, अटका हुआ था, तो हो सकता है आपको इस समय मिल जाए, या आपकी कोई पॉलिसी मैच्योर हो जाए तो आपको पैसा मिल जाए, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया था उसका बेनिफिट आपको इस पीरियड में मिल जाए। आपके छठे भाव के स्वामी के रूप में मंगल देव आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में स्थित होंगे, जो आपको साहसी और दृढ़ संकल्पी बनाएंगे। ग्रहों की इस स्थिति के चलते आप लोग इस महीने के दौरान किसी लंबी यात्रा की योजना जरूर बनाएंगे, क्योंकि काम कर लिया बहुत, अब थोड़ा पार्टी का मूड है, ट्रैवल करने का मूड है, तो यहाँ पर ये योग आपके बनते हुए दिख रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ ट्रैवल आपका प्लान होते हुए दिख रहा है, या आपने बहुत लंबे समय से कुछ प्लान कर रखा था और वो आपका पूरा नहीं हो रहा था, तो इस मंथ में होगा। आपके पहले भाव के स्वामी के रूप में बुध देव आपके पहले भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते फाइनेंस की बात करूं और एजुकेशन की बात करूं, तो जो फाइनेंस और एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो गया या बैंकिंग का क्षेत्र हो गया, आप अपना विकास यहाँ पर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। साथ ही में बुध की यही स्थिति आप लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर परिणाम दे सकती है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये पीरियड आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि 11वें भाव में राहु की मौजूदगी आप लोगों को अप्रत्याशित रूप से धन लाभ करा सकती है, लेकिन इसके लिए आपकी जन्म कुंडली का राहु देव बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर राहु देव अच्छे हैं तो आपका लाभ कहीं नहीं गया, क्योंकि राहु देव ही है जो आपको लॉटरी से, बेटिंग से और ट्रेडिंग से पैसा कमा कर देते हैं। तो अगर ये चीज़ें अच्छी हैं तो डेफिनेटली आपके लिए पीरियड अच्छा है। और इस मंथ आप लोगों को शेयर से भी लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा ना राहु देव आपको अप्रत्याशित लाभ कराएंगे। तो जो शेयर मार्केट में डील करते हैं और आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छा है, तो इस मंथ आपका बेनिफिट होने से, आपका लाभ होने से कोई नहीं रोक सकता है। राहु की यही अनुकूल स्थिति आप लोगों को पैसा बचाने के अच्छे अवसर भी प्रदान करने वाली है, मतलब पैसा आएगा भी और बचेगा भी। और जो लोग
बिजनेस में है, व्यापार के क्षेत्र में है, उनके लिए ये महीना बहुत ही फलदायी साबित हो सकता है, क्योंकि 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति के कारण आप लोगों को व्यवसाय में अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बुध देव आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में स्थित हैं, जिसके चलते आप लोगों को इस महीने के दौरान व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ग्रहों की स्थिति के चलते स्वास्थ्य के मामले में ये महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है, क्योंकि आपके पांचवें भाव में केतु की मौजूदगी के चलते आप लोगों के मन में थोड़ी सी असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। वहीं आपके 11वें भाव में राहु की स्थिति आप लोगों को बहुत ही तंदुरुस्त और ऊर्जावान बनाए रखने में आपकी मदद जरूर करेगी। तो अगर मैं आपको ओवरऑल बोलूं इस महीने के लिए, तो चीजें आप लोगों के लिए तो देखिए बहुत बेहतर होकर साबित हुई है, चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर परिणाम लेकर आई हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी और सुस्त हो जाएं, बस आलसी और सुस्त होने से बचना है आपको। अब उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, आप उपाय के तौर पर गणेश जी के मंदिर में जाकर नियमित तौर पर उनको हरी दूर्वा जरूर चढ़ाइए। ये छोटा सा उपाय करिए, अगर रोज कर सकते हैं तो रोज कर लीजिए, नहीं तो आपको ये बुधवार को करना है और आपको ये शनिवार को करना है। हफ्ते में 2 दिन समय निकालकर आप गणेश मंदिर में जाइए और वहां जाकर के गणेश जी को हरी दूर्वा यानी कि हरी घास चढ़ाइए। घास जब आप तोड़ते हैं तो उसको धो लीजिए, धोने के बाद ही चढ़ाइए। और छोटा सा उपाय है, लेकिन ये छोटा सा उपाय आपको बहुत राहत दिला सकता है, आपकी बुद्धि को ठीक करेगा। बुध का उपाय आपकी बुद्धि को ठीक करेगा, और बुद्धि ठीक रहेगी तो आपकी ईगो बीच में नहीं आएगी, क्योंकि बुद्धि खराब होती है सबसे पहले इंसान ना ईगोस्टिक होता है, वो कहता है मैं क्यों किसी से राय लूं, मैं क्यों किसी की मानूं, मैं खुद ज्यादा समझदार हूं, और ऐसे में ही चीजें बिगड़ जाती है। तो ये छोटा सा खास उपाय था, करिएगा जरूर और मुझे बताइएगा जरूर आपको इसके परिणाम कैसे मिल रहे हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तभी आपको ऐसी नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। जय माता दी।